पहिए गुजरांवाला मुनव्वर इकबाल रांझा ने बताया कि जनरल पोस्ट ऑफिस की जानिब से इंक्वायरी भिजवाई गई थी, जिसमें गुजरात के नवाही गांव घोरज के पोस्ट मास्टर शहबाज पर 108 खातेदारों के अकाउंट्स में रद्द बदल करके 7,54,00,000 रुपए खुलमुट करने का इल्जाम था। उनका कहना था कि तहकीकात में इस फ्रॉड में मुख्तलिफ डाकखानों के पोस्ट मास्टर्स भी मुलविस पाए गए, जिनमें पोस्ट मास्टर अरशद इकबाल पर 99,00,000 रुपए, पोस्ट मास्टर गुलाम शब्बीर पर 1,25,00,000 रुपए, पोस्ट मास्टर मौलवी अफजाल पर 10,00,000 रुपए, खारिया कैंट के सीनियर डिप्टी पोस्ट मास्टर मोहम्मद सईद पर 74,00,000 रुपए और डिप्टी सीनियर पोस्ट मास्टर गुलाम रसूल पर 14,00,000 रुपए खुद बुट करने का इल्जाम है। उन्होंने बताया कि रकम का बड़ा हिस्सा लेकर मरकजी मुलजिम शहबाज बैरूनी मुल्क फरार हो गया है। पोस्ट मास्टर था जो इंचार्ज था शहबाज हुसैन, मेन फरार उसने किया है इस डाकखाने से, और ये लोगों के जो पैसे जमा करता था उसका डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो फेक करता था और वो पैसे खुद खा जाता था। गिरफ्तार पोस्ट मास्टर मौलवी अफजाल ने इल्जाम आयद किया कि फ्रॉड में जनरल पोस्ट ऑफिस के तमाम बड़े अफसरान और ऑडिट अफसरान शामिल हैं। जीपीओ सारा इन्वॉल्व है उसमें, बैंक ब्रांच में जो बंदे थे सारे इन्वॉल्व है, और उसके अलावा जो ऑडिट ऑफिस लाहौर है वो भी इन्वॉल्व है। आइए।